गया, बाइक गिरी क्या? अच्छा गलत जगह से आ गया ना। ओए होए 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 होए, क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे कुछ खड़ी है सारी बाइक्स, और ये तीन हिमालयन क्या लग रही है एकदम न्यू, एंड दो थार्स खड़ी है यहाँ पे, ब्यूटीफुल सीन है। सो गुड मॉर्निंग बंदो, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जा रहे हैं हम एक छोटी सी राइड पे, हमारी फर्स्ट राइड है हिमालयन से। सो ये दो थार्स है हमारे पास, एंड आज दो हिमालयन 450 भी है, क्या बात है। ये देखो हानले ब्लैक है दोनों, एंड हमारी है वाइट। तो चलते हैं आज मस्त वाली राइड करेंगे, फर्स्ट राइड होने वाली है, 70 किलोमीटर्स चली है हमारी बाइक, सो दैट इज़ वेरी गुड। और ये चल रहा है कुश, क्या बात है। हाँ बाबा, आवाज अभी आ जाएगी दो दिन में। मिस तो कर रहा है। हाँ ना यार। सो ये चल रही है तीनों हिमालयन 450 साथ में, और क्या बढ़िया लग रही है, दोनों हानले ब्लैक है ये, वेरी नाइस। या बढ़िया लग रही है यार तीनों हिमालयन साथ में। और कल रात में हमने ये कार्बन रेसिंग की विंडस्क्रीन भी लगा ली है, तो सही है। और बढ़िया सब लाइन में चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 30-35 बाइक्स है, दैट इज़ वेरी गुड। सो एक्चुअली प्लॉट होल्स पे तो ऐसी ग्लाइड कर रही है ना, सस्पेंशन बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, बस एक आगे से हल्की सी मडगार्ड की आवाज़ आ रही है मुझे, सो वो बस एक देख लेंगे, बाकी तो ग्लाइड कर रही है। और तीनों हिमालयन 450 एकदम साथ में चल रही है, ये देखो क्या बात है। ये सो आज का क्या ही मस्त सा कॉन्वो है यार, मज़ेदार सा। और पीछे हमारे चल रही है दो थार, एंड एटलीस्ट 30-35 बाइक्स है। चलो गाइस, चलो चलो। और आज हम कर रहे हैं टेल, तो बढ़िया है, टेल के भी अलग ही अपने मज़े हैं। आह क्या रोड आई है यार, मज़ेदार। वाओ, एंड व्हाट अ स्मूथ मशीन। देखो एक विंड ब्लास्ट की प्रॉब्लम थी, विंड ब्लास्ट की प्रॉब्लम भी तो ख़त्म हो गई है, मतलब विंड आ रही है मेरे यहाँ तक। तो जो हाईवेज पे हमें जो प्रोटेक्टर लगाते हैं हम लोग प्रोस्पेक्ट का, बस वो लगाएंगे एक्सटेंडर, एंड एक्सटेंडर लगाने के बाद तो सही हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से। क्या हो गया बाबू को? सो क्या मस्त लग रहा है यार, एकदम ब्रांड न्यू हिमालयंस के साथ राइड कर रहे हैं दोनों। और आज तो मैं दोनों हानले ब्लैक के बीच में एकदम रख के बढ़िया सा फोटो क्लिक कराऊंगा, और हमारा इंस्टा 360 भी लग चुका है, मतलब कल रात में मैंने दो तीन चीज़ें लगाई हैं। सो मैं एकदम सारी एसेसरीज आ जाएं उसके बाद एक बढ़िया सा ब्लॉग बना देंगे। और अभी जो रेगुलर ब्लॉग्स आ रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं ये ज़रूर कमेंट में बता देना। सो लेट्स गो। ओए होए, उचकती है यार एकदम। ये रही एक हानले ब्लैक, और क्या लग रही है, एंड द अदर वन। रुको मेरे को आ गया तो। ये वाह भाई, गजब ब्रेक्स है इसके, मस्त। और क्या लग रही है यार, ये भी ब्यूटीफुल कलर, एंड अमेजिंग बाइक, बहुत अमेजिंग मशीन। सीरियसली ऐसा लग रहा है ना लेके कि क्या क्या स्मूथ मशीन है, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं रॉयल एनफील्ड चला रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं मेरी यामाहा की FZ चला रहा हूँ।
सो दैट इज वेरी गुड। एंड आज की राइड जो लीड कर रहे हैं वो हमारे इंदौर के काफ़ी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड राइडर हैं, तो अच्छी बात यह है सब लोग बढ़िया पेस में चल रहे हैं, सो दैट इज़ वेरी गुड। ये बहुत अनयूजुअल है, ये देखने को बहुत कम मिलता है। शरद भैया कर रहे हैं बढ़िया वाली लीड एंड पीछे हमारे हैं दो थार एंड मैं कर रहा हूँ टेल, सो बढ़िया है। एंड सीरियसली यार ऐसे ऑफ रोड में, मतलब ये जो ग्रेवल में, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है मेरे ख्याल से। मैं बैठ के भी अगर चला रहा हूँ सो मुझे कोई बम पेन नहीं हो रहा है, कुछ भी बैक पेन नहीं हो रहा है, मतलब आई डोंट नो, ये तो बहुत ही तगड़ी बात है क्योंकि अपन तो सैडल होते हुए चलाते हैं और ये टायर्स इतने अच्छे नहीं है ऑफ रोडिंग के लिए, सो मुझे इस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। अपन टायर्स तो चेंज कर ही देंगे जल्दी से जल्दी, सो वो ठीक है क्योंकि ये टायर्स थोड़े से ऑफ रोड के लिए नहीं है। मैं कोई मार रही थी थोड़ा तेज ऑफ रोड करके देखते। अरे 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 तने को तो देखो भैया, लेट्स गो। भाई 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 राइट में ले लो, राइट में सीधे निकल गए। तो ये आई थिंक एक ऑफ रोड सेशन है छोटा सा। एंड बाइक्स का क्या लाइनअप है यार, बड़ा सा लंबा लाइनअप है। ये जूते की लेस क्यों लगा ली? जूते की नहीं, जैकेट की है। नहीं नहीं सही है, चलो आ जाओ बाबा आ जाओ। 450 का ऑफ रोड देखें, दोनों 450 चल रही है अपने आगे मस्त। क्या बात है यार, पता ही नहीं लगता है। बस इसमें आप अगर बाइक पे परफेक्ट गियर में हो दैट्स इट, बहुत ही बढ़िया। बस दीज टायर्स आर नॉट फॉर ऑफ रोड एक्चुअली इसमें। एंड एक और इशू आ जाता है कि ज़्यादा आप अगर रेव करोगे इस बाइक पे तो बहुत जल्दी टायर जो है वो स्पिन हो जाएगा। एंड मेरी आई थिंक थोड़ा सा एयर प्रेशर भी ज़्यादा है जो फील हो रहा है, जो कि तो इसका थ्रॉटल जो है राइड बाय वायर उसको बहुत आराम से देना पड़ता है, मतलब एकदम सोच समझ के, क्योंकि पहले तो हिमालयन में हम देते थे रॉ पावर एकदम मस्त पूरा फुल थ्रॉटल देते हुए और भागते रहते थे, बट इसको थोड़ा सा समझने में टाइम लगने वाला है। क्योंकि ओल्ड हिमालयन का थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो था वो इतना क्विक नहीं था, इसका काफ़ी ज़्यादा क्विक है एंड वो एक ऑफ रोड में एक प्रॉब्लम बन सकता है जिसको नॉलेज नहीं हो इस थ्रॉटल का। सो अभी एग्जैक्टली कंप्लीट हुए हमारी बाइक के 100 किलोमीटर्स और मेरा रेडिएटर का फैन भी ऑन हो चुका है।
रेडिएटर का फैन ऑन हो गया होता था है ना, मतलब अभी सेकंड तो अगर 5 किलोमीटर में चलाएगा हो जाता है। अब 100 किलोमीटर कंप्लीट हुई है बाइक, करेक्ट 100 किलोमीटर एंड क्या ब्यूटीफुल लग रही है यार। क्या 80 की स्पीड के बाद ही छठवा मांगती है, उसके पहले हाँ उसके पहले तो नहीं मांगती, ये बात तो सही है। यही बता रहा हूँ, 80 के पहले तो छठे के लगाने का वही नहीं है। हाँ बढ़िया लग रही है एकदम सुंदर। ये ग्रीन कलर का ये स्टैंड इस पे तुमने अलग से लगाया? नहीं पहले से कलर कॉम्बिनेशन वही ग्रीन का ही, अब मैं पूरा ग्रीन कर दूंगा उसको। हाँ वो बहुत अच्छा लग रहा है, आप कर लो जो करना है और काजा काजा ब्राउन में तो और खाली छोड़ दिया है। हाँ। ये सही लग रहा है यार नीचे का प्लेट। अरे हाँ, इसमें तो पता नहीं क्या परफेक्ट है। अरे बस अब नेक्स्ट व्हीकल अपना यही है। अमेजिंग बात कर रहा, ये गाड़ी कब लेना, जब थोड़ा बुड्ढे हो जाओ बाइक नहीं चले फिर जब ऑफरोडिंग का शौक पूरा करना। नहीं नहीं भैया एक पीछे एक बाइक डाल के लेके जाएंगे इसमें। नहीं अभी कहां पहुंचा, अभी बहुत दूर। मेरे इसके उसको 6 मतलब 6 डोर भी आ रही है ना अभी। हां 5 डोर 5 डोर अपन अभी डिस्क्रिमिनेशन करेंगे क्या न्यू हिमालयन? नहीं कुछ नहीं बोल रहे भाई, कुछ नहीं बोल रहे। अरे अरे बाबा ये बंद कर दो लाइट। क्यों मैं? हाँ इसकी हैंडलिंग पुरानी वाली से अलग है ना बाबा, पुरानी वाली की बहुत अच्छी है। हाँ। इसकी ऑफ रोडिंग में थोड़ी पुअर है, इसकी ग्रिपिंग थोड़ी सी पुअर है और इसका थ्रॉटल जो है वो ऑफ रोड के लिए थोड़ा सा कम है। ये देखो ये आई एक और थार, ये रियल थार, ये बात। ओहो तो फ्यूल पंप में जो है वो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। चलो बड़े कुश के फ्यूल पंप में एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कुश की बाइक में, सो उसको देखना पड़ेगा। थोड़ा आगे चल के ऋतिक भाई को कॉल करना पड़ेगा। नहीं चल रही, बाहर निकाल एक बार, बाहर निकाल। क्योंकि ये सेम दिक्कत मुझे आ चुकी है मेरी नेपाल से की राइड से जब मैं आया था तब। तो अगर एक बार तरानिया पहुंच गई और हमारे पास टूल्स हुए ना, सो आई कैन हेल्प हिम, मैं उसको खोल के साफ तो कर सकता हूँ फ्यूल पंप को। बट टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन ऑफ द न्यू बीस्ट, एकदम तगड़े हैं यार, बहुत तगड़े हैं। मतलब आगे तो पता ही नहीं लग पा रहा है। चलो चलो चलो, बस ये दिक्कत ना दे आज फ्यूल पंप ना तो अच्छा रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी, धक्का मार के लानी पड़ेगी। चलो अच्छा है वैसे तो मेरा टांग लगा सकता हूँ मैं इजीली यहाँ पे आज, अभी तो लेग गार्ड है नहीं। वैसे लेग गार्ड एंड ऑल बहुत बढ़िया हमने ऑर्डर कर दिए, सो वो जैसे ही आ जाएंगे आपको अगले दिन ही पता लग जाएगा, क्योंकि आजकल तो मैं व्लॉग्स एकदम तुरंत ही डाल रहा हूँ ऑन टाइम, एक दिन का डिले रहता है बस। और अब बहुत बड़ी वाली राइड भी आने वाली है बहुत जल्दी से, सो लेट्स सी इस बार हम लोग कहाँ जाते हैं। ओए होए 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 ओए होए होए ओए होए होए, लाइन ही चेंज हो गई। वेरी नाइस, इजी टू मैन्योर। वहां भी है ना कुछ लोग, इस पे कुछ हो गया क्या? समी समी क्या हो गया इसको? हाँ सब आ गया, लास्ट में था। क्या हो गया ब्रो? ब्रेक थोड़ा टाइट हो गया। टाइट हो गया?
देखा तीन विकेट डाउन है भाई, गांड पड़ गई, चल जाएगी, रुक जा पकड़ एक सेकंड, रुक जा फ्री है यार केबल तो दबा हुआ ठीक है थोड़ा आप देखो हां हो गया लगा लगा अरे ये वायर मुड़ रही थी यहाँ से और कुछ नहीं लगा अरे तो भाई गिरे क्या भाई गिरी क्या अच्छा गलत जगह से आ गया ना उधर तो आना लगा था नहीं कोई बात नहीं नहीं थोड़ा सा ब्रेक पंप कर लो बस हो जा अरे बाबा इसके लिए अटक रहा है क्या बस हो गया सही है ठीक है वायर मुड़ गई थी वो तो एक बार चला के देखो लगाओ चलो चलो गाइस चलो हर पे ऊपर नीचे हो रहा है दिखाई लेना वो ओ, 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 ओ कैसी जाती है यार न्यू बीस्ट ओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सीरियसली इससे तगड़े सस्पेंशंस मैंने तो महसूस नहीं करे वेरी नाइस क्या बात है यार मजा आ गया ज़्यादा बड़े गियर में नहीं रहना है बस ये याद करके चलते जाना है क्योंकि स्टॉल होती है ये गाड़ी वैसे अपने से तो नहीं होगी आई नो यहीं से चढ़ा के देखते हैं ना होए 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 क्या बात है तो रेडिएटर के फैन की आवाज बहुत तेज आती है क्या मस्त वाली ट्रेल है यार ये तो ये देखो ये ऐसे होता है टायर स्पिन मतलब जरा से ओवर थ्रॉटल में 2-3 हज़ार है यार थ्रॉटल 3 हज़ार के बाद तो ये बाइक बहुत ज़्यादा ही तेज जाती है एक्चुअली क्या मस्त वाली ट्रेल है यार ये सीरियसली एंड हमारा जो वॉकी टॉकी है वो आवाज़ कर रहा है बातें चल रही हैं ग्रुप में वाह ये ट्रेल तो बहुत ही मज़ेदार है बहुत ही शानदार एंड मुझे तो सीरियसली नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आ रहा है इस बाइक पे मतलब अपने को हैबिट भी है ना इतनी ज़्यादा इसलिए हिमालयन की बस इसके टायर्स थोड़े से स्लिप हो रहे हैं और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है अगर इसमें रैल्को वैल्को लगाओ तो ये तो बीस्ट है बीस्ट इससे सस्पेंशन बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं एक्चुअली पुरानी वाली के काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थे इसके काफ़ी परफेक्ट है आई थिंक सो क्या हो गया ये है हमारे प्यारे समियन भैया की थार ओल्ड स्कूल एकदम बहुत ही सही लगती है और क्या मज़े आते हैं ना इसमें जब ये अभी तो ओपन थी पूरी तब तो और ही तगड़े मज़े आ रहे थे सारी आवाज़ आ रही है बड़े हमको भी सारी आवाज़ आ रही है हमको भी हेलो वॉकी से आरपी फोटोग्राफी
ये बात एग्जॉस्ट की तो आवाज भी बढ़िया है इसकी। हा, अंकल ने तूतू को रोटी दे दी, क्या बात है। कैसे ब्रेक्स है अपनी बाइक के, एकदम शार्प ब्रेक्स है इसके। और मुझे बिल्कुल आदत नहीं है, अपने को ऐसी आदत है ना कि थोड़ा पहले से लगा दो हिमालयन में, इसलिए अभी इतना सरप्राइजिंगली लग रहा है ना मुझे, सरप्राइज्ड हूँ मैं बहुत ज़्यादा इस बाइक से। और क्या मज़े आ रहे हैं यार आज की राइड में, सच में। ये देखो स्मूथ चल रही है एकदम बाइक, एंड पता भी नहीं लग रहा है कि 80-90 जा रही है इजीली। ये देखो ब्रेक्स भी शार्प है, ब्यूटीफुल। फाइनली पहुंच चुके हम लोग तरानिया पे, और देखो आप लोकेशन कितनी मस्त सी है ये। बस थोड़ा थोड़ा पानी हो, मतलब पानी तो वैसे यहाँ पे रहता ही है, सबसे अच्छी बात हो। ओहो धूल धूल कर दी इस सब राइडर्स ने, धूलम धूल हो गई। ओ पानी है, चलो मस्त बढ़िया वाला नहाएंगे। पानी तो है, थोड़ा रुका हुआ है बट है। वहाँ पे एक बाबूजी नहा रहे, वेरी नाइस, धूलम धूल। ओहो वाइजर लगा लिया, यहाँ तो नहीं रोकना है, आगे रोकना है ना। अरे आगे आओ आगे, अरे आगे चलेंगे ना यार नहाने के लिए। तो है अबे उधर तक जाएगी गाड़ी तो। आगे चलते हैं ना डीएसपी भैया। भैया हम लोग आगे हो क्या, थोड़ा सा चलो आओ। सच बोलेगा था, ये है ना ऑफ रोड। क्या बात है, एकदम ऐसी जाती है ना ये बाइक तो। यही तो नहाते हैं, हाँ ना यही नहाते हैं, हमेशा यही नहाते हैं। देखो पलटा के वहां पे लगा लो, सबसे बढ़िया। आते से जो सबसे पहले डुबकी मारी है ना हम लोगों ने, और देखो क्या सीन चल रहा है, एकदम चिल सीन्स। और ऐसी कुछ है लोकेशन, यहाँ खड़ी है हमारी बीस्ट, ये देखो। एंड अब यहाँ पे होगा हमारा लंच दाल बाटी का, और क्या ही सीन है यार, ब्यूटीफुल बढ़िया बैठे हुए हैं सब लोग, चिल कर रहे हैं। और अभी एटलीस्ट एक घंटे हम लोगों ने करी है बढ़िया स्विमिंग, और अब लेने जा रहे हैं यहाँ से दाल बाटी। सो अब निकलते हैं यहाँ से और थोड़ा सा आगे जाएंगे ऑफ रोडिंग करने के लिए, देन फिर हम लोग ऊपर चढ़ेंगे, लेट्स गो। क्या बात है, हल्की ऑफ रोडिंग करके देखा जाए। चलो चलो
बाबा ट्रेल बंद हो गई है ये। और ऋतिक भाई चढ़े इससे ही थे चलो फिर देखते उधर देखते हैं और क्या नीचे। तो यहाँ की ट्रेल तो हो चुकी है क्लोज। एक्चुअली हम ऋतिक भाई और हम लोग गए थे हाँ उतार दो उतार रुको ना क्या बात है Yes. क्या बात है यहाँ तो पूरा दाल बाटी का मस्त वाला प्रोग्राम चालू हो चुका है। वाह क्या बात है मजेदार खाते हैं बढ़िया। क्या बात है निकाल दो कोई दिक्कत नहीं। ये बात यार है लेजेंड वाटर क्रॉसिंग करने भैया बहुत बढ़िया। क्या बात है गाड़ियों में गाड़ियां आना चालू हो गई अब तो। और ये न्यू हिमालयन क्या बात है एंड ओल्ड वन ना मत तेज थोड़ा क्या बात है समीन भैया की धार तो ऐसी निकली है तो अब करते हैं मस्त वाली ऑफ रोडिंग मतलब बॉर्डर क्रॉसिंग। लेट्स सी कैसी जाती है हमारी हिमालयन। लेजेंडरी थिंग्स क्या करते हो यार तुम यार
तेरे साथ दो दिन रहूं तो बढ़िया, एक आध वायरल वीडियो बनवा दे यार तू मेरे। तो ऐसे कुछ खड़ी है सारी बाइक्स, और ये तीन हिमालयन क्या लग रही है एकदम न्यू, एंड दो थार्स खड़ी है यहाँ पे, ब्यूटीफुल सीन है। अब एक ग्रुप पिक्चर लेंगे एंड चलेंगे। अरे अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, संगत संगत। क्या बात है। तो निकलते हैं इस ब्यूटीफुल सी प्लेस से, और बहुत मस्ती कर ली, अब चलते हैं सीधे घर की तरफ। ये पहुंच चुके हैं बाईपास पे, एंड अब हमारी राइड हो चुकी है एंड। सबको बाय बाय बोल देते हैं, चलो बाबा बाय बाय। अपन तो सीधा ही चलो भैया, बाय 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 बाय। हाँ सीधा निकल रहे हैं हम लोग। चलो चलो बाय ब्रो, मिलते हैं। तो बंदो आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना। आज की राइड बहुत ही धमाकेदार रही, और आज फर्स्ट राइड थी हमारी हिमालयन 450 से, तो बहुत ही गजब एक्सपीरियंस था, मज़ा आ गया। एंड आगे भी खूब सारी राइड्स होती रहेंगी, वैसे इसकी बस फर्स्ट सर्विस हो जाए, अभी तो मुश्किल से 200 किलोमीटर ही चली है। तो फर्स्ट सर्विस हो जाए उसके बाद बढ़िया वाली राइड पर इसको लेके चलेंगे हम लोग। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।